deem it a pleasure to welcome team of School Guru who are going to conduct webinar, and it aims to plug the fissures between education and employment which is caused by COVID-19. We have among us Assistant Vice President of Works Program, Ms. Ankhdi Nigam. I extend a warm welcome to you, ma'am. Associate Vice President, Sales, Mr. Chetan Dikshit. Placement Manager, Mrunal Samad. The entire team is making all-out efforts not only to improve the chances of employability of the students, but it will surely help students to gain experience which is required in the competitive world. I am very sure this program, which is based on Work Integrated Diploma Program, I'm quite sure it will be an instructive, informative program, and it will really help you to succeed in the competitive world. So I'm very sure all the students, including MCOM, BCOM final years, it will really are beneficial for you. So once again, I welcome all the panelists, and I hand over to you, ma'am Ankhdi Nigam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. Welcome to the WorkX webinar. My name is Ankhdi Nigam, and I want to thank Parminder sir for being here with us today and welcoming us and helping us bring this program to all of you. So, इससे पहले कि मैं शुरू करूं WorkX के बारे में आपको बताने के लिए, and आप में से कुछ लोगों ने ये पूछा है कि ये webinar का क्या purpose है, हम क्यों यहाँ आए हैं, इससे पहले मैं वो सब आपको information दूं. Let me introduce myself, and I'll ask my colleague also to introduce herself, Mrunal, जो आज हमारे साथ co-host कर रही है ये webinar. So, मैं यहाँ स्कूल गुरु में काम करती हूँ. मैं WorkX प्रोग्राम जो है, जो कि एक वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम है विच हेल्प्स प्रमोट एम्प्लॉयबिलिटी इन यूथ, वो प्रोग्राम को मैं हेड करती हूँ WorkX में. WorkX और स्कूल गुरु से पहले मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ काम करती थी US में. मैं सिएटल और सैन फ्रांसिस्को में उनके कुछ प्रोग्राम्स मैनेज करती थी, और उससे पहले मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ काम करती थी इंडिया और दुबई में. मैं हमेशा से ही, मेरा करियर मैंने एजुकेशन को डेडिकेट किया है. मैं बहुत पैशनेट हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने में, बिकॉज इट हेल्प्स प्रमोट एम्प्लॉयबिलिटी, इट हेल्प्स गिव द यूथ ऑफ आर कंट्री अ चांस टू इम्प्रूव देयर करियर प्रॉस्पेक्ट्स. सो आई एम रियली रियली डेडिकेटेड टू दिस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव कम हियर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू. बिफोर आई प्रोसीड, मृणाल, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबको. थैंक यू पंखुरी. सो माई नेम इज़ मृणाल सामंत, और मैं ये WorkX टीम में ऑन द जॉब ट्रेनिंग जनरेट करने के लिए डिपार्टमेंट में ज्वाइन की हूँ. और इसके पहले मैं जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई थी, एंड आई हैव मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू द सेम फील्ड. और आज के ये वेबिनार में आपको मैं बताऊंगी कि किस टाइप से एम्प्लॉयर हमसे जुड़े हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं. थैंक यू. थैंक यू मृणाल. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, और क्या आप यहाँ इस वेबिनार से क्या लेके जा सकते हैं, इस प्रोग्राम से आप क्या हासिल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. See, WorkX हम आपके लिए लाए हैं इन एसोसिएशन विद द मिजोरम यूनिवर्सिटी. सो ये एक प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम है जो मिजोरम यूनिवर्सिटी के साथ एक WorkX के जॉइंट में आपको एक डिप्लोमा मिलता है आफ्टर 1 ईयर. और इस डिप्लोमा में क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो इट्स बेसिकली अ वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा. इसका मतलब क्या हुआ, वर्क इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये डिप्लोमा आपको सिर्फ पढ़ के, असाइनमेंट्स करके, एग्जाम्स दे के नहीं हासिल होगा. आपको इसमें एक्चुअली 1 ईयर के लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है. सो आपका एक एलिमेंट होता है जो आप
आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, उसमें डेप्थ में जाके आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको डोमेन नॉलेज गेन करनी होती है. एंड सेकेंडली आपको वन ईयर के लिए एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आप किसी कंपनी के पेरोल पे आ जाते हैं एज एन इंटर्न, एज एन अप्रेंटिस, और आपको वहाँ पे सैलरी भी मिलती है और आपका साथ साथ डिप्लोमा भी होता है. और वो जो डिप्लोमा आपको मिलता है वो उसमें आपका एक एलिमेंट होता है जो आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपके एक फाइनल टर्म एग्जाम होगा, और एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का. सो ये डिप्लोमा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज डिजाइंड टू गिव द यूथ ऑफ अवर कंट्री, टू गिव द फ्रेशर्स ऑफ अवर कंट्री वर्क एक्सपीरियंस बिफोर यू एक्चुअली गो आउट इन टू द मार्केट एंड you start looking for permanent jobs, for getting jobs in the industries, in the job role that you want to make your career in. Okay, so this is ye aisa diploma hai jisme aapko work experience gain hota hai, aur ye kyun zaruri hai. You know, lot of the times स्टूडेंट्स फील की अच्छा हमने अभी अपना डिग्री फिनिश किया, अभी हमने अपना डिप्लोमा फिनिश किया है, नाउ जैसे ही मुझे मेरे हाथ में डिग्री आती है मैं जॉब शुरू कर दूंगा या कर दूंगी. पर ऐसा होता नहीं है हमेशा. आप जानते हैं, आपने आपके सीनियर से बात किया होगा बहुत बार, उनसे सुना होगा कि जॉब नहीं मिल रहा है. अगर जॉब मिल रहा है तो ऐसा जॉब नहीं है जो आपको यू नो इंटरेस्ट हो उसमें, या आपके कैलिबर, आपके स्किल्स, आपके एस्पिरेशंस के हिसाब से वो जॉब नहीं है. सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, हम अपने डिग्रीज कंप्लीट कर चुके होते हैं, पर फिर भी हम जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं हमें अपने डिजायरेबल प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं. और इसके बहुत सारे रीजंस है कि क्यों ऐसा नहीं होता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम समझें कि वो क्या रीजंस है और वो क्यों हम अपनी मर्जी के जॉब, एकदम जैसे हम कॉलेज से निकलते हैं हमें अपनी मर्जी के जॉब्स या हमारे स्किल लेवल के जॉब्स क्यों नहीं मिलते हैं. और एक बार हम ये समझ जाएंगे तो वी कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम, राइट. अगर हमें पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हैं जो अगर हम उस पर वर्क करते हैं, हम अगर वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, सो इफ़ वी एड्रेस दोज प्रॉब्लम वी कैन स्टार्ट अवर करियर विद अ बैंग, वी कैन किक स्टार्ट अवर करियर एंड वी कैन एस्पायर टू डू वेल इन अवर प्रोफेशनल लाइफ एंड we can get on a journey to be successful in our careers. So let us first understand ki kya problems hai aur ye kyun face ho rahe hai hame. So see, kai baar hum as students, as youngsters and freshers, hame lagta hai ki यू नो हमें शायद कुछ प्रॉब्लम है, और यू नो हम या हमें ही से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज फ्रेशर्स, एज यंगस्टर्स, एंड कंपनीज आर डूइंग गुड एंड उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम है. तो ऐसा नहीं है एक्चुअली. जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो इशू है इंडिया में, वो दो पार्ट्स में है. वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एज जो लोग नया नया करियर शुरू करते हैं सिर्फ उनको ही ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे क्या इश्यूज है जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स कंपनीज को, एम्प्लॉयर्स को भी आती है इन फुलफिलिंग देयर नीड्स ऑफ हायरिंग राइट काइंड ऑफ पीपल. सो सी एज स्टूडेंट्स हमें कई बार क्या होता है कि हमने बहुत पढ़ाई की है, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत अच्छे ग्रेड्स लाए हैं एग्जाम्स में, या यू नो वी वर गुड स्टूडेंट्स, वी डिड एवरीथिंग दैट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. बट क्या होता है कि लॉट ऑफ द टाइम्स हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं मिले होते हैं. तो हमने अच्छे से सब कुछ किया, बट अभी भी हमने जैसे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं. हमने कभी एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं किए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. सो हमारे पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती है जो कि एक एम्प्लॉय को चाहिए होती है टू वर्क इन अ कंपनी. तो कई बार वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं होती हैं हमारे पास, बिकॉज हमने वो कभी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया है. सो कुछ चीज़ें अब नाउ यू नो कि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एवरी डे. अभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि कोविड में क्या हुआ. सो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं 21st सेंचुरी में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है. अब जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं लोगों से, अपने फ्रेशर से, अपने एम्प्लॉयज़ से, वो एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो गई है. दे नीड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़.
तो वो सारे स्किल्स एक्वायर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल के टाइम में, बिकॉज वी नीड 21st century स्किल्स टू डू वेल ऑन द जॉब. So we need to acquire those skills. वो unfortunately हमारे पास अभी नहीं होती हैं as freshers, हमारे पास वो skills नहीं होती हैं. Another problem that freshers जो face करते हैं वो ये है कि we don't know कहाँ jobs हैं, where do we look, कहाँ ढूंढने जाए कि हमें अच्छे jobs मिल सके. So ऐसा तो है नहीं कि एक central जगह पे सब jobs available होते हैं, सारे companies वहाँ के jobs place कर देती हैं, all available people वहाँ पे जाके job search करते हैं. तो it's not how it is, right? So it's not, there is no centralized way to look for opportunities. हम कभी LinkedIn पे ढूंढ रहे होते हैं, हम कभी नौकरी पे ढूंढ रहे होते हैं, हम कभी किसी और पोर्टल पे ढूंढ रहे होते हैं जॉब्स, कोई हमने कभी लोकल लिस्टिंग किसी पेपर में देखा होता है. सो इट्स वेरी नॉट स्ट्रक्चर्ड, राइट? ये बहुत ही स्प्रेड आउट होती है जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट से. सो देर इज नो वे टू लुक, देर इज नो वन प्लेस जहाँ पे एज अ फ्रेशर आप जाके अप्लाई कर सकते हो. सो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको पता चले कि कहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए. As youngsters, we also are sometimes confused. We need lot of guidance, right? Ki what career is good for me, mere interest kya hai, mujhe kis type ka career graph chahiye, mujhe kaun sa industry mein kaam karne mein is going to be best suited to my needs. So we talk to our friends, we talk to our seniors, we talk to our family. So sab apne apne experience se hame apni batate hain ki acha ye acha hai, ye aisa hai, try this. But see, those things are coming from their personal experience. That doesn't mean ki aapke liye bhi wo guidance will be perfect. So career guidance right time pe hamesha hame nahi milti hai ki hum informed decisions le sake ki what industry, what role should we start our career with, okay? So ye sare issues will need to fitment issues ki hum, we don't become a good fit for an organization. Now it is also very important to understand ki ye two-way problem hai. So it's not just ki एज स्टूडेंट्स हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए. अगर आप कंपनी से बात करेंगे, जैसे कि हम करते हैं, मृणाल और मैं बहुत कंपनी से बात करते हैं, सो वी फाइंड आउट कि कंपनीज ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग पीपल फॉर द जॉब्स. तो उनको क्या होता है, जब वो किसी को नए लोगों को, फ्रेशर्स को हायर करते हैं, तो दे डोंट ऑलवेज हैव द राइट काइंड ऑफ स्किल्स. तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, तो वो तुरंत के तुरंत काम शुरू नहीं कर पाते. तो कंपनीज को उनको बहुत सारा ट्रेनिंग देना पड़ता है, काफ़ी महीनों तक उनको सिर्फ ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो जॉब परफॉर्म कर सके. सो एज यू कैन इमेजिन कि कोई कंपनी ज्वाइन करता है, 2-3 महीने तक कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ सीखने में टाइम जाता है. सो कितना उसमें कंपनीज का कितना टाइम जाता है, उनका लॉट ऑफ मनी गोज इन ट्रेनिंग, राइट? ट्रेनिंग करना बहुत एक्सपेंसिव होता है कंपनीज के लिए. प्लस व्हेन दे, जस्ट लाइक आपको बहुत टाइम लगता है राइट काइंड ऑफ जॉब ढूंढने के लिए, कंपनीज को भी बहुत टाइम लगता है राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट ढूंढने के लिए. तो उनका उतना टाइम का लॉस होता है इन प्रोडक्टिविटी. सो मान लीजिए आज मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है मेरी कंपनी में, पर मुझे 3 महीने लग जाते हैं वो 100 लोग फाइंड करने में. सो वो 3 महीने का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, राइट? सो दीज आर द चैलेंजेस दैट कंपनीज फेस, एंड इट इज अ टू वे प्रॉब्लम. सो वर्केक्स एड्रेसेस बोथ साइड्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एंड आई विल टेल यू हाउ. Now there is another very interesting concept called permission paradox. So as you know ki kitni baar hum freshers jab apply karte hai kisi job mein, jab koi postings aati hai kisi company ki, and we go there and we say ki okay, I would like to work in your company, this is my CV, you know, you showcase कि आप कितने अच्छे employee हो सकते हैं उनके लिए. पर एक question क्या आता है जहाँ पे we don't know how to answer. Company बोलती है कि पहले experience लेकर आओ, फिर मेरे पास आओ. So अब
अब ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि अगर आप हर कंपनी के पास जा रहे हो और हर कंपनी आपको बोल रही है कि पहले परमिशन लेकर आओ फिर मेरे पास आओ, सो तुम यू नो कि एक्सपीरियंस लेकर आओ, तुम कि तुम पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस लाओ, तुम कहीं से काम करके आओ फिर मैं तुम्हें जॉब दूंगा या दूंगी, तो हाउ डू यू गेट दैट एक्सपीरियंस? अगर हर कंपनी आपको बोलेगी कि नहीं एक्सपीरियंस के बिना तो जॉब देंगे ही नहीं, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस देगा ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? इट्स द जॉब ऑफ अ कंपनी टू गिव यू द यू नो एक्सपीरियंस ऑफ अ जॉब. सो इट बिकम्स अ साइक्लिकल प्रॉब्लम, इट बिकम्स समथिंग ऑफ अ सर्कुलर थिंग, कि वो प्रॉब्लम का कोई एंड ही नहीं होता है. कि सो दिस इज कॉल्ड अ परमिशन पैराडॉक्स एंड इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट इन द एम्प्लॉयबिलिटी यू नो फिलॉसफी. सो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? हाउ डू वी मेक श्योर कि वी गेट द एक्सपीरियंस, राइट? सो दिस इज वेयर द वर्केक्स डिप्लोमा प्रोग्राम कम्स इन टू प्ले. सो दिस इज अ वन ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम जिसमें एक एलिमेंट है आपका स्पेशलाइजेशन. तो हम बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, सो आप उसको चूज कर सकते हैं. यू कैन चूज कि मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे माइक्रो फाइनेंस में जाना है, मुझे इंश्योरेंस उसमें जाना है, मुझे ITES करना है, या मुझे डिटेल में इंटरेस्ट है, या ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग. सो यू कैन चूज फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट streams and you can specialize. So there is a course content, there will be an exam that would be conducted by Mizoram University for the content side of this diploma. On the other hand, you will be working for 12 months in a company aur wo company mein hum aapke liye traineeship की पोजीशन क्रिएट करते हैं. सो आप एम्प्लॉय नहीं होते उस कंपनी के, यू बिकम अ ट्रेनी, यू बिकम एन अप्रेंटिस, और एज यू से यू स्टार्ट योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एंड वो 12 महीने आप एक कंपनी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हो, आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हो, यू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, यू लर्न डोमेन स्किल्स, यू लर्न हाउ टू परफॉर्म योर वर्क इन अ मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. सो ये सारी चीजें ये वर्केक्स डिप्लोमा आप enable करता है करने के लिए. So what does it contain? What all is there as part of WorkX diploma? So one, this diploma is like a finishing skills program. इसका क्या मतलब है? So आपने बहुत सारे skills college में सीख लिए हैं, but this will help you gain the kind of skills जो आजकल का 21st century marketplace demand कर रहा है. कि आपके पास critical thinking skill होना चाहिए, आपके पास practical skill होने चाहिए, आपके पास analytical skills होना चाहिए, you should know how to work in a team. So बहुत सारी चीज आजकल मार्केट डिमांड करती है, एज यू नो बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है. पीपल आर यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव डिग्रीज, लॉट ऑफ पीपल हैव प्रोफेशनल डिग्रीज एंड स्किल्स ऑन पेपर दैट दे शो, बट नॉट एवरीवन हैज एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स. सो ऑब्वियसली जब आप ये स्किल्स गेन कर लेते हैं, जब आपके पास एक्चुअल स्किल्स होती है दिखाने के लिए कि नॉट ओनली डू आई नो दीज थिंग्स, आई हैव डन दीज थिंग्स, so that is so gives you such a advantage, right? अगर आप किसी ये WorkX diploma finish करने के बाद किसी company में जाके अपना you know job interview दे रहे हैं and the HR person sees कि oh wow this person has this degree, has done this additional specialization also, and on top of that एक साल का experience भी है. Compared to a fresher जो अभी fresh out of college pass out हुआ है, उसके comparison में आपके पास experience extra है and आपके पास ये एक specialization extra है. So you can imagine कि employer किसको job देगा, right? आपको देगा because you have done all these additional things. So you are now a better you know addition to a company. You will provide better productivity compared to someone who has not done all these things. Now the best part about this diploma is कि आप इस diploma में आपको salary मिलता है. तो जब आपका on the job training शुरू हो जाता है किसी company के साथ, जहाँ पे भी हम आपका placement कराते हैं, वो company आपको हर month stipend देगी. And that stipend is dependent upon कि आपके state में minimum wage का क्या अमाउंट है. सो फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे रहते हैं और मान लीजिए आप
you are applying for an apprenticeship in NCR or in you know other cities or wherever you live, so us state ke hisab se aapko at least utna stipend to milta hi hai, and in some cases companies can even give you higher, so you can get anywhere between 9,500, 10,000 to you know up to 15,000-16,000 also, depending on the company and the role. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग राइट कि आप पढ़ाई कर रहे हो अभी और कमाई भी कर रहे हो साथ में सो इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज दैट नॉट एवरीवन गेट्स कि यू आर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स समवन इज टीचिंग यू दीज न्यू स्किल्स यू आर डूइंग अ स्पेशलाइजेशन और आप जॉब करते करते जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है यू आर ऑल्सो गेटिंग पेड सो वेन यू फिनिश दिस वन ईयर ऑफ डिप्लोमा यू also get placement assistance from us. So School Guru jo hai company, we are part of a very big another company called Teamlease. Now Teamlease is India's biggest staffing company. Matlab at any given day, if you go to Teamlease ka website, you will find ki wahan pe 2.5 lakh jobs posted hote hain. So those we are creating so many lakhs and lakhs of jobs every day. So we give you access to our portal. So when you finish our WorkX program, you get access to one of our portal called Optara, जहाँ पे रोज़ हज़ारों jobs post किए जाते हैं, जो आप WorkX का program finish करने के बाद आपको access मिलता है. So we give you that placement assistance. Now let's see कि वो हमारा पूरा WorkX का journey कैसा है, क्या क्या उसमें पड़ाव है, कौन कौन से क्या क्या milestones हैं. सो सबसे पहले जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है विच इज कॉल्ड प्री प्लेसमेंट. तो अब क्या होगा कि आफ्टर दिस वेबिनार हम आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे एंड उस फॉर्म में हम आपके एजुकेशनल डिटेल्स आपसे लेंगे, आपके प्रेफरेंसेस लेंगे एंड वंस यू फिल दैट फॉर्म एंड सेंड इट टू अस वी विल बी शेयरिंग योर प्रोफाइल विद एम्प्लॉयर्स. सो हम अलग अलग कंपनीज के पास जाके उनको आपके प्रोफाइल शेयर करेंगे और हम उनसे बोलेंगे कि आप आके इन स्टूडेंट्स को अपने कंपनीज के बारे में बताओ, उनको बताओ कि आपकी कंपनी क्या करती है, आप कौन से जॉब रोल चाहते हैं. तो आपका एक और सेशन होगा एंड उस सेशन के बाद हम आपका एक प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे जिसमें वो एम्प्लॉयर्स आपके इंटरव्यू लेंगे एंड जितने लोग आप में से सेलेक्ट हो जाते हैं उस इंटरव्यू में, सो आप सबके इंटरव्यू होंगे, यू विल डिसाइड कि आपको किस कंपनी में अप्लाई करना है. आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा अभी एंड उस वर्चुअल इंटरव्यू के थ्रू जो जो प्लेस हो जाता है, सो द कंपनी विल टेल अस कि ओके आई एम हायरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज, तो वो कंपनीज हमको ये बताएंगी एंड देन वी विल टेल यू अबाउट दैट, विल गिव यू द ऑफर. इस टाइम पे आपको इस WorkX प्रोग्राम के लिए फीस पे करके एनरोल करना है. सो द फीस फॉर WorkX प्रोग्राम इज 10,000. आपका एक बार जब ये कंपनी आपका प्री प्लेसमेंट कर लेती है, आई एम कॉलिंग इट प्री प्लेसमेंट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू फॉलो. So once they do pre-placement, you pay the fees of 10,000, which is the fee of the diploma that we are giving you. So, जो मिजोरम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है, जो कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है, जो हम आपको देते हैं उस स्पेशलाइजेशन का, एंड वी डू अ ट्रेनिंग फॉर यू ऑल्सो टू प्रिपेयर यू फॉर योर ऑन द जॉब वर्क. सो उसका फीस है ये. And so then you pay us 10,000. उसके बाद आपका 12 दिन का एक ट्रेनिंग होता है. It's a virtual training, but it is led by an instructor. और उस ट्रेनिंग में यू स्टडी कम्युनिकेशन स्किल्स, यू स्टडी सॉफ्ट स्किल्स, यू लर्न हाउ टू यू नो बिल्ड योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यू लर्न हाउ टू यू नो वर्क इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट. सो यू वी टीच यू लॉट ऑफ द थिंग्स विच यू विल नीड व्हेन यू स्टार्ट योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद अ कंपनी. सो वी गिव यू लॉट ऑफ स्किल्स which will be needed to go ahead. We'll also give you skills which will help you in the future also. So data skills and all of those are taught during this 12-day program. So after this 12-day program is over, you get to join your on-the-job training. You get to join the company where you were pre-placed at this stage. Okay. And after that,
your diploma will start from the day you start your on the job training. तो आप जिस दिन भी मान लीजिए अभी हमारा बैच शुरू होने वाला है बहुत जल्दी नवंबर में ही हमारा ये बैच शुरू होने वाला है तो मान लीजिए आप वो नवंबर बैच में ज्वाइन करते हैं सो आफ्टर यू फिनिश योर सो आफ्टर इफ यू गेट प्री प्लेस्ड विद अ कंपनी सो नेक्स्ट वीक में मेरी कलीग जो है मृणाल वो कंपनीज को लेकर आने वाली है आपके कॉलेज में वर्चुअली एंड आपके इंटरव्यूज होंगे उनके उन कंपनीज के साथ इन द नेक्स्ट 7 to 10 days एंड उसके बाद जब आप हमारी ट्रेनिंग 2 weeks की फिनिश करते हैं देन यू गेट टू go to office and work in these companies for 12 months. इस 12 month के दौरान आपका एक midterm assessment होता है which is assignment based and at the end of it you also have to take an exam which is done by Mizoram University but that exam is online. So you don't have to go to Mizoram University. So this is the process of WorkEx. This is the journey for a student who joins the WorkEx program and it is a really great opportunity for you to gain access into the corporate world to you know start your career journey and get rid of this problem once and for all ki experience lekar aao to aap experience le loge and when once you finish this 1 year you would have gained so many skills that you will become very hireable as we say ki aapko bahut easily employment mil jayega because everybody appreciates experience So let's just quickly look at कि हमारे पास specializations कौन कौन से हैं अभी जो जिस industries में आप काम करेंगे और जो particular specialization में आप पढ़ाई करेंगे So we have BFSI as you know banking finance and financial services and insurance manufacturing telecom है microfinance retail logistics e-commerce ITES So all these specializations we offer you can choose which specialization you want to take up for your OJT. So this is in short the WorkEx program and Mrunal will share with you the list of some of the companies that we already work with but as new colleges sign with us and students tell us their interest we go to the market and we find lot more opportunities for all of you. So So thank you so much for listening to me right now. I will give it over to Mrunal to talk about OJTs and she can explain to you what all companies she works with, what all industries she brings to all of you. Thank you all so much. Mrunal, over to you. Yeah, thank you. So good afternoon, everyone. So, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सेशन में कि हम OJT प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है क्यों OJT इम्पोर्टेंट है इतना और करंटली इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है जैसे आपको पंखुरी ने भी कहा था कि क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस है और क्या स्टूडेंट्स के चैलेंजेस है वो हम लोग देखेंगे एंड करंटली हमारे पास किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पहले हम रिक्रूटर ले आएंगे सो बेसिकली इन लाइक कमिंग 1 week हम आपको पहले तो एक फॉर्म देंगे अभी ये तुरंत वेबिनार के बाद फिर आप आपकी जब इंफॉर्मेशन देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन उस हिसाब से हम आपका रेज्यूमे देख के वी विल अप्रोच टू डिफरेंट रिक्रूटर्स जिनसे बात करके हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपसे लेके आएंगे और आपको हमने ये भी देखा होगा कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है जैसे आपने लिखा होगा कि आपने ग्रेजुएट किया है ऑन टू सम फील्ड सो उस रिलेटेड जहाँ पे ग्रोथ पाथ होगा इस तरीके से जॉब हम आपके लिए ले आएंगे रिक्रूटर्स को तो राइट कैंडिडेट को एक राइट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंड वंस यू गिव इंटरव्यूज विद अ डिफरेंट रिक्रूटर्स वंस यू गेट सिलेक्टेड योर ट्रेनिंग विल गेट स्टार्टेड सो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की है और सबका एक अलग अलग व्यू है उस पर तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे स्टाइपेंड मिलना चाहिए सो मॉनिटरी टर्म इज द वन थिंग जहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं ये स्टाइपेंड मिलता है बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नए स्किल्स सीखते हो सो हम जब कॉलेज में रहते हैं तो हम एक चीज़ सीखते हैं
बट जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो उसका यूज करना सीखते हैं. तो जैसे हमने सेल्स के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी या सीखी होंगी कॉलेज में, लेकिन वो कैसे यूज करना है, या अकाउंटिंग टर्म आपने जो सीखे होंगे वो किस तरीके से यूज करने हैं कॉर्पोरेट में, ये आप जाके ये टाइम पे आप सीखते हो. तो जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हो या एक्सपीरियंस लेते हो, तब आप नए नए न्यू स्किल्स सीखते हो वहाँ पे कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा. एंड हियर स्टूडेंट स्टार्ट फीलिंग यू नो डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि एक आप कॉलेज से कॉर्पोरेट की जर्नी करते हो इसमें, और आप नए चीजें सीखते हो, नए कॉलिग्स को मिलते हो आप, तो आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है. और जब आप ट्रेनिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस करना चालू करते हो ये, तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, बिकॉज यूर अदर फ्रेंड्स आर नॉट वर्किंग बट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग विद द कॉर्पोरेट. सो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन अभी क्या है स्टूडेंट से. तो हम बहुत सारे रिक्रूटर से बात करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिसर्च करते हैं, और हमने ये देखा है कि जब भी रिक्रूटर इंटरव्यूज लेते हैं उन ये पांच चीजों के पास एकदम ठीक से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स. सो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे हो, बट हम ये कह रहे हैं कि हाउ कंफर्टेबल यू आर इन पब्लिक स्पीकिंग, आप कितने कॉन्फिडेंटली बात करते हो आपके कलीग से, आपके वेंडर से. सो बैक एंड जॉब हो या फ्रंट फेसिंग कस्टमर का जॉब हो, कम्युनिकेशन इज फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली इज अ टेक्निकल स्किल्स. तो यहाँ पे हम आईटी स्किल्स की बात नहीं कर रहे या कोई टेक्नोलॉजी स्किल्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फंक्शनल स्किल्स की बात कर रहे हैं. सो वेयर वी आर सेइंग दैट आप कोई भी प्रोफाइल के लिए या कोई भी जॉब के लिए जाएंगे, तो उसको बेसिक जो स्किल्स लगते हैं, क्या आपको उसका नॉलेज है, क्या उसको एक्सपीरियंस है आपका. सो एक्सपीरियंस काम करने का नहीं बट नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का. सो ये जरूर रिक्रूटर चेक करते हैं. They always look for के how good you have appeared for the interview. So आपका appearance, presentation, आप कितने confidently आ रहे हो, आप किस तरीके से बैठ रहे हो. So ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है. So इसीलिए जो आपके preparatory class लिए जाएंगे, जो पंखुरी ने कहा है आपको, so उसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से interview देना है. आपका resume हम check करेंगे, जो आप अभी upload करेंगे, ये जो हम link provide करेंगे उस पे. So, उस पे आपको थोड़े इनपुट्स दिए जाएंगे एंड देन यू विल गो टू गिव द इंटरव्यूज. नाउ ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे अवेलेबल है, बट मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये इंडस्ट्रीज दिखा रही हूँ. तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हम रिक्रूटर से बात करते हैं, और डिफरेंट जॉब रोल के लिए हम ओपनिंग्स ले आते हैं. तो पैंडेमिक के पहले जॉब रोल्स बहुत डिफरेंट थे, अभी कोविड के बाद जॉब रोल्स बहुत चेंज हो गए लोगों के, बहुत अलग अलग टाइप के जॉब रोल आए हैं, और बहुत सारी ऐसे रोल्स हैं जो बहुत डिमांड में आए हैं, जैसे आईटी एग्जीक्यूटिव रोल और टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स बहुत डिमांड में आए हैं. क्योंकि आप ऑनलाइन का एग्जाम्पल लीजिए, बैंकिंग का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी कस्टमर्स को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन कनेक्ट करिए फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज और ग्रीवियंसेस, और आपको कुछ भी इनपुट चाहिए होगा तो डोंट कम टू यू नो आवर ऑफिस, बट जस्ट कॉल अस एंड आवर एग्जीक्यूटिव विल हेल्प यू आउट. सो इसीलिए इस तरीके के रोल बहुत बढ़ चुके हैं अभी. सो मैं आगे आपको बताना चाहूंगी पैन इंडिया लेवल पे हम किन किन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है और कितने पोजीशंस हमारे पास है. उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी जॉब्स अवेलेबल नहीं है या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं है. सो वी वॉन्टेड टू सी एंड शो यू ऑल्सो दैट कितने पोजिशंस अवेलेबल है मार्केट में और कौन कौन से रोल के लिए, और इसी में से यू नो कहीं रिक्रूटर शायद आपके लिए भी इंटरव्यूज लेने आएंगे, और डिफरेंट आपके यू नो लोकल लेवल के भी हम लोग ढूंढेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयर्स टू हु कैन कम एंड टेक योर इंटरव्यूज. सो मैं स्टार्ट करूंगी. The Fusion and the Net Worth is more into a microfinance and BFSI industries की companies है, और ये लोग executive sales देख रहे हैं जिनको financials का थोड़ा knowledge हो, जो कि उनके customers को help कर पाए to sell their products, investment करने में help करें. Wipro is looking out for a technical executives for a Mumbai location. Axis Bank पैन इंडिया लेवल पे, ICICI बैंक, SBI बैंक पैन इंडिया लेवल पे हायर कर रहे हैं लोगों को.
Wellspun is into a manufacturing, very famous brand into manufacturing, जहाँ पे वो 2000 trainees को देख रहे हैं गुजरात एरिया में. इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज मैंने मेंशन की है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट locations है. अगर आप देखेंगे लिंक ग्रुप, टेली परफॉर्मेंस, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज रहेंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज भी रहेगा. अगर आप नॉर्थ की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं तो चंडीगढ़, मोहाली में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. टॉक फीवर कंपनी है जो हायर कर रही है, ईक्लर्क्स कंपनी है जो बहुत लोगों को हायर कर रही है, एक्सिस बैंक जैसे मैंने कहा था हायर कर रही है, हमने कल ICICI बैंक का भी ओपनिंग फ्लोट किया है. देन देर इज अ कंसेंट्रिक्स एंड एच टेक इंडस्ट्रीज जो देख रहे हैं, ग्रे ऑरेंज लॉजिस्टिक कंपनी है जो गुड़गांव दिल्ली में रिक्रूटमेंट कर रही है आज भी. सो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो आज भी बहुत सारे रोल्स के लिए उनके पास रिक्वायरमेंट है और वो ढूंढ रहे हैं लोगों को, और अलग अलग रोल्स के लिए है. ऐसे नहीं कि सिर्फ सेल्स जॉब है या ऐसे नहीं कि सिर्फ बैकएंड जॉब है. सो दिस इज द मिक्स यू नो बकेट वेयर द डिफरेंट रोल्स यू हैव सीन. सो ऐसे पैन इंडिया में बहुत सारे रिक्रूटर से और एम्प्लॉयर से हम टाइप कर रहे हैं, तो इनमें से ही ब्रांड्स आपके पास आ सकते हैं आपका इंटरव्यूज लेने के लिए. सो अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर क्वेरीज. आई थिंक अभिषेक आपका क्वेश्चन का आंसर पंखुरी ने दे दिया था ये सेमिनार में. रोनाल एक बार वो लिंक भी शेयर कर दीजिए आप, जस्ट इन केस सम स्टूडेंट्स वांट टू सी. ये लिंक आप कॉपी कर लीजिए, वेबिनार के बाद आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए. बेस्ड ऑन आप में से कितने लोग आज अप्लाई कर रहे हैं, हम फिर उस हिसाब से एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करेंगे और एम्प्लॉयर्स को लेकर आएंगे आपके सॉर्ट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फॉर OJT कराने के लिए. बट इट विल बी वर्चुअल, वी हैव ऑल मूव्ड टू द वर्चुअल वर्ल्ड, सो इट विल बी अ वर्चुअल कैंपस. सो any other questions? Fees, like I said, the fees is 10,000 for the entire diploma. So sirf 10,000 fees hai usme aapka ek saal ka jo hum aapka placement karte hai OJT wo aa gaya, aapka examination course content jo hum aapko denge which will be through our learningo platform. Hamara ek learning platform hai, so aap sab kuch online uske through padhenge. Yes, Sonia, campus placement is a part of diploma. So, Ranveet, jaise ma'am ne kaha tha, average package is depend on the minimum wages of every state. हाँ, सो मतलब आपको कुछ भी एनीवेयर बिटवीन 10,000 टू 13 टू 14,000, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द रोल, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री दैट यू आर चूजिंग, उसके हिसाब से आपको मिल सकता है. बट आई वुड से कि आप है ना, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू बी सस्टेनेबल जब हम कोई जॉब कर रहे हैं किसी भी टाइप का, इवन इफ इट्स अ ट्रेनीशिप लाइक वर्कएक्स में ट्रेनीशिप है. वी हैव टू रिमेंबर कि ये हम अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ये OJT कर रहे हैं. सो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सस्टेनेंस एंड यू आर एबल टू गेन वेरी गुड वर्क एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट कैन बी अ दैट शुड बी द फोकस ऑफ डूइंग दिस. सो ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू ब्रिंग यू द बेस्ट पैकेज, बट द एम ऑफ वर्कएक्स इज टू ब्रिंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग विल बी ऑनलाइन जसलीन, जो हमारा ऑन ट्रेनिंग होता है जिसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है और बैच में सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही होते हैं, वो ऑनलाइन होती है. बट उसमें बहुत इंटरैक्टिव ट्रेनिंग होती है, आपका इंटरव्यू स्किल्स, जैसे कि प्लेसमेंट से पहले आपकी होगी कुछ घंटों की ट्रेनिंग, उसमें आपको इंटरव्यू स्किल्स सिखाएंगे, आपको विल टीच यू हाउ टू यू नो
answer frequently asked questions in an interview, how to dress for the interview. And जो उसके बाद आपका placement जब हो जाता है OJT में, उसके बाद जो आपकी training होगी, उसमें we will teach you a lot of skills that will help you in being successful in your OJT. See, आप मृणाल ये क्वेश्चन सोनिया का है कि कैन यू गाइड अस अबाउट रेज्यूमे. सी राइट नाउ डोंट वरी अबाउट योर रेज्यूमे का प्रेजेंटेशन बिकॉज दिस इज फॉर इंटरनल यूज मोस्टली राइट नाउ. बट मृणाल कैन टेल यू कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेफिनेटली डालनी चाहिए उस रेज्यूमे में, सो दैट वी अंडरस्टैंड आपका प्रोफाइल. हमें आपका प्रोफाइल समझ में आएगा तो ही हम आपको यू नो आगे ले जा सकते हैं एम्प्लॉयर के पास. राइट. सो अगर सबको अगर मैं क्विकली बता दूं कि अगर आप फॉर्म भी जिन्होंने लिंक ओपन करके देख ली होगी, तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी है, जैसे आपका नाम, सो दैट यू नो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो अगर कुछ है तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर सके. इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है कि आप प्रॉपरली आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखिए. आपका करंट क्वालिफिकेशन, तो जैसे मैंने लिखा है 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये फर्स्ट है. और उसके बाद में लिखा है कंप्लीटेड अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर. तो ये इसके लिए लिखा हुआ है कि जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बट आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको ग्रेजुएशन जिनकी यू नो रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे रिक्रूटर भी आपको दे सकते हैं. बट अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है, तो उस तरीके से हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे. इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है आपसे, ताकि आपकी एक प्रोफाइल हमें मिल जाए और आप जैसे रेज्यूमे हमें भेजेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और इस तरीके से हम जॉब जनरेट करके आपको दे सकते हैं. टाइमिंग आप किसकी बात करें, अगर आप ट्रेनिंग की बात करें तो उसकी टाइमिंग कैन बी एनीवेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. वी विल आल्सो टेक योर प्रेफरेंस. अगर आपका और कुछ मान लीजिए क्लासेस चल रहे हैं सुबह, तो वी विल डिजाइन द ट्रेनिंग टाइमिंग दैट वे. डेली 2.5 घंटे का जो 12 दिन का ट्रेनिंग है, मंडे टू सैटरडे 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर्स का डेली होता है उसमें, तो वो आपको दैट इज फिक्स्ड बट टाइमिंग कैन बी चेंज्ड. फीस आपको भरनी है जब आपका प्लेसमेंट, जब कंपनी का आपका इंटरव्यू होता है और कंपनी बोलती है यस आई एम रेडी टू हायर दिस कैंडिडेट, सो उस टाइम पे आपको वो 10,000 रुपीज फीस पे करनी है वर्कएक्स को. एंड देन योर प्लेसमेंट ओनली गेट्स कंफर्म्ड आफ्टर दैट. सो देन आफ्टर दैट वी गिव यू द ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी. Anything, Abhilash, Chetan, आपकी तरफ से आप कुछ अगर एड्रेस करना चाहते हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो या यू वांट टू कन्वे समथिंग? Pankaj, there are certain questions in Q&A box. Okay. So the question first is fees का तो हमने बता दिया है उनको. What about our ongoing degree if we joined November batch? Okay, so अभिलाष वो आपके मैनेजमेंट में डिस्कस करके ही विल गेट बैक टू यू कि किस तरह से कॉलेज आपका ये अकोमोडेट कर सकता है आपका ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलॉन्ग विद योर ओन डिग्री. सो अभिलाष आपको अभिलाष या कोई आपके कॉलेज में से आपको ये इन्फॉर्म कर देगा. सो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे ये अकोमोडेट होगा इन योर रेगुलर कॉलेज टाइमिंग. What are the chances of placement? So, यहाँ पे नाम नहीं लिखा ये किसका है, बट बेसिकली ये प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं चल रही है, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात चल रही है. और जैसे पंकुरी ने कहा, ये हम आपको जब एम्प्लॉयर ले आएंगे आपको इंटरव्यूज देने हैं वहाँ पे. जैसे ही आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे, कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी, देन योर डिप्लोमा और ट्रेनिंग विल स्टार्ट. सेकेंड है, what about okay that is done. Kab payment karni hai fees ki? So I think Rajpreet that Pankuri has answered. Jab aap select honge company se and aap diploma start karenge tab aapko payment karni hai. See, 100% placement if you are talking about after you finish WorkEx, so we give you placement assistance. So hum aapko access dete hain hamare portals ka and we help you with finding the right kind of opportunities. See, placement is dependent on lot of things. Placement is dependent on aapne apna diploma kaise finish kiya hai, aapne kya experience kiya aur aap kahan apply kar rahe hain aage jaake, us pe bhi depend karta hai ki aapne kya apna OJT
किया एंड आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं, किस टाइप की कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं. सो वी गिव यू 100% असिस्टेंस, बट प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू से कि हाँ 100% प्लेसमेंट आपका इसके बाद वी कैन प्रोवाइड, बट योर प्रोबेबिलिटी of you getting placed becomes significantly higher. क्योंकि जब आप work experience लेके market में जाते हैं, जब आप एक अपना नया एक specialization दिखाते हैं market में, when you show कि देखो मैंने एक साल में कितना कुछ सीखा, मैंने ये किया, इस department में काम किया, इस industry में काम किया, इस industry के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि ये फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है. बिकॉज नो मैटर वॉट रोल यू डू इन अ कंपनी, वेन यू गो टू वर्क, वेन यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, यू लर्न एवरीथिंग अबाउट द डोमेन, राइट. सो आप जब ये चीज़ें बताते हैं, जब आप अपने रेज्यूमे में डालेंगे कि यू हैव वन ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सो एंड सो कंपनी विद सो एंड सो रोल, सो ऑटोमेटिकली आपका द चांसेस ऑफ यू गेनिंग employment will be much much higher than you going into the market as a fresher. So that's the closest I can tell you to your placement opportunity that you will have at the end of WorkX. Anything else? Any other question? Ma'am, will this help in getting government job? तो आई थिंक अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं क्या, तो नहीं, वी विल नॉट यू नो प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट जॉब. बट यस, ये डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है, जैसे पंकुरी ने कहा था जो आप स्किल्स सीखेंगे, दीज आर ट्रांसफरेबल स्किल्स. सो जो स्किल सेट आपके पास आएगा वो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू देख के क्रैक करने के लिए भी लगने वाली ही है. अगर आप वहाँ के इंटरव्यूज देने जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब में भी जब आपके इंटरव्यूज होते हैं यही चीज़ें देखी जाती है. Yes, Parneet, you are right ki that it will add value. It is a very big added bonus to you know, to your CV, to your profile. So profile jo aap apni build kar rahe professional, this person that you want to become professionally, this journey that you want to take on as a working professional, is journey mein it's a very big, very strong stepping stone. You are taking a very good start towards having a long and successful career, because you are starting with something which gives you an edge over other people. It provides you an advantage. Aapko ek advantage mil raha hai iske through over rest of the freshers that you have to compete with. Baki freshers ke comparison mein aapke paas ek work experience hoga jo ki which will give you a huge advantage. So you can continue your study with it, but you have to again, like I said before, आपको ये हम आपके कॉलेज से डिस्कस करके वी कैन गेट बैक टू यू कि आप अगर आपके कॉलेज में कुछ कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये वर्क एक्स डिप्लोमा कैसे शुरू चालू रख सकते हैं, कैसे आप जॉब भी कर सकते हैं और ये डिग्री भी आप रख सकते हैं. तो मेरी टीम में से चेतन और अभिलाष आपके मैनेजमेंट में बात करके आपको ये आंसर देंगे कि हाउ कैन वी अकोमोडेट दिस इफ़ यू आर राइट नाउ स्टडिंग और इफ यू आर अबाउट टू पास आउट. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी, अगर आप अपना ग्रेजुएशन फिनिश करके ये शुरू करें तो भी इट्स पॉसिबल. इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यू विद वॉट यू आर स्टडिंग, बट दैट हाउ विल इट वर्क, हाउ विल द कॉलेज अकोमोडेट विद your attendance, with your classes, that we will get back to you. Chetan, Abhilash, aap kuch bol rahe the? Yeah, so yeah, thank you Pankhuri, thank you Manal, nice session. I just want to say this, students se main bolna chahta hu, jab aap ghar se bahar nikalte hain kaam karne ke liye to char kaam ke log aapko roz milte hain और वो धीरे धीरे आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं और आपके अंदर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक सब्सटेंशियल स्किल सेट बन जाते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे.
कुछ लोगों का क्वेरी था कि गवर्नमेंट जॉब में हेल्प होगा. इवन गवर्नमेंट जॉब में भी जब आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, आपको एक पैनल को मिलना पड़ता है. तो वो पैनल से मिल को पैनल भी यही सब देखता है कि क्या आप प्रेजेंटेबल हैं, क्या आप अपनी बात को ठीक तरीके से रख पा रहे हैं, क्या आप अपने नॉलेज को यूज कर पा रहे हैं, आपकी सोसाइटी में जो अवेयर इवेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर में क्या आपकी ओपिनियन है. तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. सेकेंडली जो वर्क स्किल्स चाहिए, जैसे आज के टाइम ये मैंडेटरी है कि हर किसी को इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, हर किसी को एक एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए, ठीक है. आपको टाइमलाइंस की आनी चाहिए, आपको मीटिंग के पहले प्रिपेयरनेस क्या करनी है वो आना चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी वर्क स्किल्स हैं इन सब चीज़ों के लिए ही ये ओजीटी बनाया गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और कंपनीज भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे वर्कर्स को जिन्होंने ओजीटी कंप्लीट किया है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, उन्होंने टीसी टाटा स्टील जो जमशेदपुर में है वहां पर एज ए इंटर्न ही ज्वाइन किया था इन 80s एंड ही रिटायर्ड जस्ट नाउ एज ए डायरेक्टर ऑफ होंडा मोटर्स. इनफैक्ट वो टाटा स्टील में 25 साल रहे और वो प्लांट के हेड थे डॉक्टर हरभजन सिंह. तो 25 साल के करियर में एक इंटर्न से उन्होंने ज्वाइन किया, एक अप्रेंटिस ज्वाइन किया एक टाटा स्टील जैसी कंपनी में, और 25 साल के करियर में अपनी मेहनत और अपनी लगन से वो उस तक पहुंचे. तो जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा तकलीफ है स्टूडेंट्स को और कि मार्केट में जॉब्स नहीं अवेलेबल है. मार्केट में जब जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे एज ए फ्रेशर, हो सकता है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला पर्सन भी उसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपको वो डिसएडवांटेज है. लेकिन आप जब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आप कंपनी में काम कर लेते हैं, आप वहाँ पे कैसे काम करते हैं, क्या डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर क्या करता है, अकाउंट क्या करता है, फाइनेंस क्या करता है, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, आप भले ही किसी एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे लेकिन आपकी नेटवर्किंग बन जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. तो ये सब चीजें आपको ओवरऑल डेवलप करती है. सेकेंडली आपका एक अपना आउटलुक तैयार होता है. फिर आपको ये भी पता चल सकता है कि आज आप सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हैं, कल आप ढूंढेंगे कि मुझे किस तरह की नौकरी चाहिए, किस तरह की कंपनी में मुझे जाना है, किस सेक्टर में मुझे काम करना है, किस प्रोफाइल में मुझे काम करना है, और ऑब्वियसली मुझे किस लोकेशन में काम करना है, कौन सी लोकेशन ज्यादा रिवार्डिंग है, कौन सी प्रोफाइल ज्यादा रिवार्डिंग है, कौन सी फ्यूचरिस्टिक है. तो ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, जो पहले आपकी 6 वीक्स की ट्रेनिंग है उसमें काफी चीजें हम सिखाएंगे. उसके बाद जब आप 52 वीक्स कंपनी में, जिस कंपनी में आपको डिप्लॉय किया जाएगा वहाँ पे करेंगे. आप ये मान के चलिए कि अभी आपका ग्रेजुएशन या आप स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, आपका 1 साल का और लर्निंग है, बट ये लर्निंग जो है आपको क्लासरूम में नहीं करना है, ये आपको एकदम ग्राउंड में करना है, कंपनी के अंदर में करना है. और वो लर्निंग जो है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है. इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. और इसीलिए आप इस जो स्टाइपेंड है इसको अपनी सैलरी से मत जोड़िए. ये आपकी परमानेंट सैलरी नहीं है, ये एक आपकी सैलरी ये है, स्टाइपेंड है, जिससे कि आपके डे टू डे खर्चे निकल जाए. अभी आप महीने के डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल कोई 2000 रुपये, कोई 5000 रुपये, 500 रुपये अपने पेरेंट्स से हर मंथ आप लेते हैं, आपकी वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने खर्चों को कर लेते हैं. इनफैक्ट आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना भी ये 1 साल में सीख जाएंगे. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और आपके कॉलेज के मैनेजमेंट से जब बात किया, उनको लगा कि ये उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उन्होंने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और आज हम आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं. और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं. Thank you, Chetan. Thank you. That was very, very insightful. Rajni ka question hai ki fee after training nahi. Fees after training nahi hai. Before training hai. Fee you have to pay once you get a, you know, once your interview is done and aapko agar company bolte ki haan, I am ready to hire you. उसके बाद आपको 10,000 की फी देनी, उसके बाद आपकी 12 दिन की ट्रेनिंग होगी and then you will start your OJT. ठीक है, इफ देर आर नो मोर क्वेश्चंस,
आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो मृणाल जी ने आपको लिंक भेजा है, मृणाल एक बार और फिर से भेज देते हैं जाते जाते, आप ये लिंक पे प्लीज जाइए, ये भरिए और हमें बताइए कि आप ये प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आप ये प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू हमारे जरिए जाना चाहते हैं, और देन वी विल come back to you in 7 to 10 days and we will arrange all these placement drives which is OJT placement. Always remember, this is on the job training, this is not your final job, this is on the job training which helps you learn. So I hope you enjoyed today's session with us, and we look forward to seeing all of you, working with all of you and taking all of you through this journey so that you can be successful in your professional life and kickstart your career and move towards fulfilling your aspirations as you desire for your careers. So thank you all so much for coming, and we'll be seeing you soon. Sonia, thank you so much, it was encouraging for us also to talk to all of you. So bye, take care, stay safe, and we will see you all again.